दोस्तों, अगर हम अंडे की बात करें तो हमारे मन में एक ही अंडे का ख्याल आता है जो हम रोज की जिंदगी में यूज करते हैं, और वो अंडा होता है मुर्गी का, जो ज्यादातर उजले रंग का होता है। लेकिन क्या आपने कभी नीले रंग के अंडे को देखा है? क्या कभी आपने सुना है कि किसी चिड़िया का अंडा हरे रंग का भी होता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे दुनिया में ऐसे बहुत कुछ अजीबोगरीब चीजें हैं जिससे हम और आप अनजान रहते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया का 10 ऐसे अनोखे अंडे जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं। सी हॉर्स एग। समंदर में रहने वाले इस जीव को आपने जरूर देखा होगा, जिसका आकार एक घोड़े के मुंह के जैसा होता है। क्या आपने कभी इनके अंडे देने के प्रोसेस को देखा है? मादा सी हॉर्स एक बार में करीब 1500 अंडे देती है। वहीं उन अंडे को एक मेल सी हॉर्स अपने शरीर में आगे की तरफ बने बेडिंग पाउच में रख लेते हैं, और उस अंडे को 9 से 45 दिनों के लिए अपने पाउच में छुपा लेता है। और जब ये अंडे अपने सही समय पर पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं तो मेल सी हॉर्स अपने ब्रीदिंग पाउच से उसे बाहर निकाल देता है। जब पॉच से बच्चे बाहर आते हैं तो वो नजारा देखने लायक होता है। और एक बार जब बच्चे बाहर आ जाते हैं तो सी हॉर्स एक बार फिर से रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। एलिफेंट बर्ड एग्स। एलिफेंट बर्ड एक बड़ा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था, एक ऐसा विशालकाय पक्षी जो 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया था। इसका अंडा अब तक का मौजूद दुनिया में सबसे बड़ा अंडों में से एक था। वैज्ञानिकों द्वारा किया गया एक दावे के अनुसार इस पक्षी का अंडा एक डायनासोर के अंडे से भी बड़ा अंडा था। इसके अंडे में करीब 9 लीटर पानी को भरा जा सकता था, जिसके चलते पुराने जमाने में इन अंडों का उपयोग मेडागास्कर के स्थानीय लोगों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जिसमें भोजन, पानी के कंटेनर और यहाँ तक कि संगीत वाद्य यंत्र के रूप में भी इसका उपयोग के लिए शामिल किया गया था। आज ये पक्षी और उनके अंडे पूरी तरह विलुप्त हो गए हैं। अब आप इस विशालकाय अंडे को केवल कुछ जगहों पर ही देख सकते हैं, जिसमें से दुनिया में मौजूद कुछ चुनिंदा म्यूजियम में रखे हुए हैं। इस अंडे को एलिफेंट बर्ड एग के नाम से आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। शार्क एग। दोस्तों, क्या आपने कभी शार्क का अंडा देखा है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि शार्क के 70% प्रजाति बच्चों को जन्म देती है। वही शार्क के 30% प्रजाति अंडे देती है, और वो अंडा कुछ इस तरह का दिखता है। इस अंडे की बाहरी सतह कुछ हल्के पीले रंग के होते हैं, और इस अंडे के अंदर आप उस बच्चे को भी देख सकते हैं। इसके इस खास बनावट को मरमेड पर्सेस भी कहा जाता है। शार्क अंडे देकर उसे छोड़ देती है, जिसके 8 से 12 महीने के बाद उस अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। उस छोटे शार्क को अपने माँ बाप का ठिकाना नहीं रहता, जिसके चलते उन्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। उस अंडों में से कुछ अंडे पानी का बहाव के कारण इधर उधर चले जाते हैं। अब तक बड़े से बड़े शार्क के अंडे का साइज मैक्सिमम 14 इंच तक देखा गया है। सदर्न कैशोवरी एग। ऑस्ट्रेलिया देश में पाए जाने वाले एक भारी भरकम पक्षी सदर्न कैशोवरी उड़ नहीं सकती, लेकिन अपने आकर्षक लूक के चलते पूरी दुनिया में फेमस है। काले और नीले रंग के पक्षी दुनिया के दूसरे सबसे वजनदार पक्षियों में से एक है। बात करें इन पक्षी के अंडों की, तो मादा कैशोवरी पक्षी 3 से 6 अंडे देती है, और उन अंडों का साइज 13 सेंटीमीटर होता है, जो एक शुतुरमुर्ग के अंडों के बराबर है। इन अंडों का वजन 700 ग्राम तक होता है, और उन अंडों का रंग गहरा हरा होता है, जो देखने में बेहद अद्भुत लगते हैं। हालांकि ये पक्षी बेहद ही आक्रामक होते हैं, और वो अपने अंडों का सुरक्षा जी जान से करता है। इन अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया में 40 से 45 दिन लगते हैं। सदर्न कैशोवरी के अंडों के खास रंग की वजह से ही दुनिया भर में ये मशहूर है। क्लोन फिश एग। दोस्तों, इस मछली पर एक फिल्म भी बनी हुई है, जिसका नाम है फाइंडिंग नीमो। इस मछली का रंग नारंगी कलर का होता है, जिसके ऊपर काला या सफेद रंग का मोटे धारियां बनी होती है। इस छोटे मछली का साइज 6 से 17 सेंटीमीटर तक होता है। इन मछलियों के अंडे देने की प्रक्रिया को सुन आप हैरान हो जाएंगे। इस सारे मछली का जन्म पहले नर क्लोन फिश के रूप में ही होता है, और ये मछली जब चाहे खुद को मादा यानी फीमेल क्लोन फिश में बदल सकती है। और एक फीमेल क्लोन फिश एक बार में 100 से 1000 अंडे दे सकती है, और इनके अंडे 3 से 4 मिलीमीटर तक बड़े होते हैं। अंडे देने के 8 से 10 दिनों में ही अंडे से बच्चे बाहर आने शुरू हो जाते हैं। स्नेल एग। आप में से सभी लोग स्नेल को तो जरूर देखा होगा, लेकिन उनके अंडों को शायद ही कभी देखा होगा कि वो होते कैसे हैं। ज्यादातर स्नेल के प्रजाति जन्म के 1 साल बाद वो बच्चे पैदा करने के लायक हो जाती है। ये अपना अंडा समुद्र के बाहर निकलकर सूखे जगह पर देती है। स्नेल की कुछ प्रजाति एक बार में 10 से 12 अंडे तक को ही दे सकती है, और इन अंडों का साइज 306 मिलीमीटर तक हो सकता है। और अंडों को 2 से 4 सप्ताह के होते ही उन अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, और वो बेबी स्नेल 3 मंथ
तक बड़े स्नेल के निगरानी में बढ़ते हैं। उसके बाद ये स्नेल फ्री होकर गीले या समुद्र और नदियों में खुलकर जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। रॉबिन्स एग, एक ऐसी चिड़िया जिसके पंख भूरे रंग का, उसके पेट उजले रंग का और गर्दन ऑरेंज कलर का होता है। देखने में यह चिड़िया काफी अद्भुत है, वहीं उसका अंडा भी उसी की तरह एकदम सबसे अलग और अनोखा है। इस चिड़िया के अंडों का रंग नीला होता है। फीमेल रॉबिन बर्ड एक दिन में एक अंडा देती है और ये लगातार 5 दिनों तक अंडे को दे सकती है और उस अंडों से बच्चे को निकलने में 12 से 16 दिन लगता है। वहीं इनके अंडे का साइज 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, जो इस चिड़िया के हिसाब से थोड़े बड़े साइज का अंडा है, क्योंकि इस चिड़िया का साइज ही महज 12 से 14 सेंटीमीटर तक ही होता है। इस चिड़िया का अंडा इसके अनोखे रंग के वजह से दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। सरीनम टॉड एग, मेंढक की ऐसी प्रजाति के बारे में आपने कभी सुना या देखा नहीं होगा। सरीनम टॉड देखने में एक सूखे पत्ते की तरह होता है। ये मेंढक 10 से 13 सेंटीमीटर तक होते हैं। इनका आकार आम मेंढक की तरह मोटे नहीं बल्कि ये चपटे आकार के होते हैं, जिसके वजह से ये अजीबोगरीब दिखते हैं। वहीं इनका अंडा देने का तरीका भी बेहद अलग है। एक आम मेंढक अपने अंडों को पानी में छोड़ देते हैं, वहीं सरीनम टॉड अपने अंडे को पीठ में रखते हैं जब तक उनके अंडे ठीक से विकसित नहीं हो जाते। इस मेंढक के मादा मेंढक एक बार में 100 अंडे दे सकती है। अंडे देने के बाद नर मेंढक इस अंडे को मादा मेंढक के पीठ में चिपका देता है और कुछ दिनों में मादा इन अंडों को अपने पीठ में ढक लेती है। ये अंडे 3 से 4 महीनों तक मादा के शरीर के अंदर ही रहते हैं और ये जब पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तब ये मादा के शरीर को फाड़ कर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद मादा मेंढक का शरीर पूरी तरह खराब हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके शरीर को एक सांप की तरह एक नई स्किन मिल जाती है। हॉर्न शार्क एग, वीडियो में दिखने वाली ये चीज थोड़ी अजीब लग रही होगी। दरअसल ये एक शार्क का अंडा है। हालांकि देखने में ये तो अंडा जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन इसी अंडे से हॉर्न शार्क का बच्चा बाहर निकलता है। अंडा देने के बाद हॉर्न शार्क उस अंडे को मुंह में दबाकर उसे समुद्र के गहराई में छुपा देता है, ताकि कोई भी शिकारी उस अंडे को नष्ट ना कर दे। हालांकि हॉर्न शार्क कभी भी अपने बच्चों को नहीं पालती, वो उस अंडे को छुपा कर चली जाती है, जिसके जन्म के बाद उस बच्चे को खुद का ख्याल खुद से रखना होता है। येलो हेडेड जॉफिश एग, इस मछली का अंडे देने का तरीका बेहद अजीब है। ये फिश एक बार में 200 से 300 अंडे देती है, लेकिन खास बात ये नहीं है। खास बात यह है कि जब मादा मछली इस अंडे को देती है तब मेल फिश उस अंडे को अपने मुंह में रखकर पालते हैं और वो अंडे को तब तक मुंह में रखते हैं जब तक उस अंडे से बच्चे बाहर नहीं निकल आते। मतलब यह है कि मछली के मुंह के अंदर 200 से 300 अंडे रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब तक अंडे से बच्चे बाहर नहीं निकलते ये मछली खाना कैसे खाते होंगे। तो आपको बता दें कि जब तक अंडों से बाहर बच्चे नहीं आ जाते ये मछली खाना नहीं खाते। इस मछली को बच्चा आने तक इंतजार करना होता है। कुदरत का दिया एक ऐसे अनोखे जीव को देखकर बेहद ही अजीब लगता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि वाकई पेरेंट्स बनना आसान नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और इनमें से कौन सा जीव का अंडा आपको ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अनोखे जीव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।